जलंधर के एनएचएस अस्पताल में तैनात डाइटिशियन ने प्रबंधन पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। डाइटिशियन ने खुद सुसाइड नोट लिखकर धमकी भी दी है। मामला थाना नंबर 2 में पहुंचा है। डाइटिशियन समृद्धि तनेजा ने सुसाइड नोट में अस्पताल प्रबंधन पर आरोप कहा कि बेवजह से उसे तंग किया जा रहा है और उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। मामले को लेकर मंगलवार को अस्पताल में हंगामा हुआ और मामला थाना नंबर 2 जहाँ पहुँचा। उसने सुसाइड नोट में अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, रोमेशा, महाप्रबंधक मनप्रीत सिंह तथा हाउस कीपिंग इंचार्ज पर बेवजह तंग करने के आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि अगर मेरे साथ कोई बुरा होता है तो यह लोग जिम्मेदार होंगे। वहीं थाना डिवीजन नंबर 2 के प्रभारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, इसके चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए जलंधर से ईशान जनेजा के साथ देवराज की रिपोर्ट। मतलब कि ये पूरा जिहड़ा एक लड़की ने जिहड़ा गड्डी दे विच बिठा के लेके जाया जा रहा है, मामला वाला लड़की सुसाइड करनू फिर रही है। हस्पताल दे गए, हस्पताल दे कोई स्टाफ ने नू कोई काम तो किया ही या काम इस तरह नहीं होना चाहिए। उस करके लड़की ने सुसाइड नोट मेरी जेब च है, इस करके तो माँ प्यो उ बुलाए आ थाने बुला के कंप्लेन कि कंप्लेट एन एच एस वालों की सुसाइड का कोई पूछा कुड़ी ने कहते करते सुसाइड हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा जो सुसाइड नोट लिखा है लिखा की कारण की है तस्वीरों के देख सकते इस समय जलंधर के एनएचएस अस्पताल दी तस्वीर ने जिथे कि मामला जो एक डाइटिशियन जो है पुलिस के वालों लैके जाया जा रहा। उन्होंने कहने की एनएचएस फोटोकॉपी